स्टार प्लस का हाई टीआर पे शो इमली की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी इमली के तैयार होने से, जो मालिनी की दी हुई साड़ी को पहनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार होगी। त्रिपाठी फैमिली यहां पर रिपोर्टर्स की एक्टिंग कर रहे होंगे और इमली को सेल्फी लेने के लिए इंसिस्ट कर रहे होंगे। ये सब कुछ देखकर इमली कहती है, अब्बा बस कीजिए ना, वरना इतनी खुशी देखकर हम रो देंगे। ताई जी कहती हैं कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो इस साड़ी में। निधि कहती है कि क्या ये साड़ी तुम्हें सुंदर ने दी है? इमली कहती है कि नहीं, मालिनी दीदी ने हमें दी है। आदित्य ये देखता है और उससे कहता है कि इस सब की क्या जरूरत थी। मालिनी कहती है कि अगर मैं नहीं तो कम से कम मेरी साड़ी तो इमली के साथ जा ही सकती है। और देखिए इमली कितनी खूबसूरत लग रही है इस साड़ी में। सारी फैमिली सजेस्ट करती है उसको कि एक बार रिपोर्टर से तुम कैसे बात करोगी उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और हमसे लड़ लो। तभी वो सारे पुराने इंसिडेंट्स को याद करते हैं और इमली कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप सब वो सारी बातें मत सोचिए। अपर्णा उसे कहती है कि बस करो अब तुम लोग, उसको और ज़्यादा नर्वस मत करो और तुम सारे आंसर अच्छे से देना और अच्छे से ही तुम वहाँ पर रहना। और वो कोशिश करती है उसके बाल छूने के आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन इमली उसे रोक देती है और कहती है कि अरे अरे आप हमारे बालों पर हाथ मत फेराइए, ये हमारे आलिया भट्ट की हेयर स्टाइल करी है। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। उधर इमली प्रेस कॉन्फ्रेंस के वेन्यू पर पहुंच जाती है। इतने सारे क्राउड को देखकर वो बहुत ज़्यादा घबराती है। आदित्य कहता है इमली से कि तुम क्यों घबरा रही हो, तुम अपने गाँव के बारे में सोचो कि कैसे तुम यहाँ पर आई थी और कैसे हर कोई तुम्हें ब्लेम करता था जब तुम कोई मिस्टेक करती थी, और जब वो तुम कॉन्फिडेंट और वो करेज से लड़ती थी वही तुम्हें यहाँ चाहिए। अब तुम आराम से रहो और चलो हमारे साथ स्टेज की तरफ। रिपोर्टर्स देखते हैं आदित्य इमली को और आपस में बातचीत करने लगते हैं कि आदित्य जैसे बड़े रिपोर्टर भला इतने छोटे इवेंट में क्यों आए हैं, इतने छोटे से इंटरव्यू में। जनेंद्र कहता है कि मुझे पता है वो यहाँ पर इमली के लिए आया है, और लेकिन उसने हमें इन्फॉर्म तो नहीं किया था कि वो खुद यहाँ पर आने वाला है, उसकी बात हुई थी सिर्फ कि वो इमली का इंटरव्यू लेगा। आदित्य सबसे पहले रूम में बैठता है, इमली को स्टेज पर भेज देता है। रिपोर्टर पूछते हैं कि आप यहाँ पर इतनी छोटी जगह क्यों आए हैं? आदित्य कहता है कि ये मेरी मर्जी थी, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और ये लड़की आज जो कुछ पहुंची है उसका ही सारा मुकाम है जो हम देखना चाहते थे, और बहुत जल्दी ये बहुत बड़ी ऑफिसर भी बनेगी। और होस्ट जो होती है वो इमली को माइक के पास भेजती है, जहाँ पर रिपोर्टर इमली से पूछना शुरू करते हैं कि आप कैसा फील कर रही हैं और आपको कैसा लग रहा है। इमली यहाँ पर अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में कहती है कि मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं और ज़्यादा अच्छा महसूस करूँगी अगर मैं इंग्लिश में बात करूँगी, इसलिए अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो आप हाथ उठाइए। आदित्य यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है और कहता है कि आपको इतना मेहनत करने के इंस्पिरेशन कहाँ से आई इतनी सारी सिचुएशंस का फेस करने के बाद? वो कहती है कि ये सब कुछ मैंने अकेले नहीं किया है, मैंने सीता मैया की मदद से, और कुछ क्रेडिट देती है वो आदित्य को इनडायरेक्टली, उनकी मदद से किया है। रूपल और इमली के घर वाले सब कोई टीवी देख रहा होता है और हर कोई इमली की बातों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फैमिली उसके जवाबों को सुनकर बहुत खुश हो रही होती है और कहते हैं कि देखो इमली कितनी अच्छे से बात कर रही है और वो एक दिन ज़रूर कुछ बड़ा करके दिखाएगी। दूसरा रिपोर्टर कहता है कि क्या आपकी फैमिली कभी आपको टीवी देखने पर डांटती नहीं थी? इमली कहती है कि अरे टीवी हमारे घर में तो रेडियो भी नहीं था, हमारी अम्मा थी जो हमें पढ़वाया करती थी और पढ़वाते पढ़वाते वो खुश हो जाती थी, और इसीलिए हमने अपनी अम्मा की इतनी मेहनत तपस्या का फल पढ़ करके दिया है और अब मैं उनके सपने को और भी ज़्यादा ऊँचाइयों तक पहुँचाना चाहती हूँ। यहाँ पर आदित्य के पास मीठी का कॉल आता है, वो कहता है अलग जा करके आपने एकदम सही टाइम पे कॉल किया है अम्मा। इमली का यहाँ पर रिपोर्टर इंटरव्यू ले रही है और वो सारे जवाब बहुत अच्छे से दे रही है। मीठी बहुत इमोशनल होती है और सोचती है कि कैसे इमली के पैदा होने से पहले उसने अबॉर्शन के बारे में सोचा था, उसने सोचा था कि मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, लेकिन जब उसे रियलाइज़ हुआ कि ये म्यूज़िक बज रहा है इमली के लिए, तो वो कहती है मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था अपनी इमलिया को इस दुनिया में लाने का, वगैरह वगैरह। यहाँ पर आदित्य कहता है कि चलिए माँ अब हम रखते हैं क्योंकि हमें वापस से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जाना होगा, इमली को हमारी ज़रूरत होगी, और वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। रिपोर्टर कहते हैं इमली से, आप अगर अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहती हैं तो वो क्या चीज़ चेंज करना चाहेंगी? तभी इमली को वो सारे फ्लैशबैक आने लगते हैं कि कैसे आदित्य ने मालिनी से शादी की थी, और वो सब कुछ सोचकर नर्वस हो जाती है। त्रिपाठी फैमिली सोचती है कि आखिर वो इस तरीके से इतनी ज़्यादा नर्वस क्यों हो गई। इमली हकलाने लगती है और उसका सिंदूर भी हवा से दिख जाता है। हवा इतनी तेज़ चलती है कि इमली की जो हेयर स्टाइल है वो बिगड़ जाती है और उसके माथे का सिंदूर सारे रिपोर्टर देख लेते हैं। त्रिपाठी फैमिली भी देख लेती है। मालिनी कहती है कि शायद इमली अपनी
मांग का सिंदूर जो सीता मैया का सिंदूर था वो हटाना भूल गई है। अपर्णा कहती है लेकिन अब ये रिपोर्टर्स को क्या जवाब देगी। सारे रिपोर्टर्स इमली का सिंदूर देखते हैं और पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या आप शादीशुदा हैं, अगर हाँ तो आपके हस्बैंड कौन है, क्या नाम है, वगैरह वगैरह। इमली बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के कह देती है कि हाँ हाँ मैं शादीशुदा हूँ, मैं हूँ सुहागन। त्रिपाठी फैमिली ये इमली के मुँह से ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में पड़ जाते हैं और इमली आदित्य एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद क्या इमली की पोल खुल जाएगी देखना होगा कल रात के एपिसोड में।